बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 12वीं का ग्रह विज्ञान। और ग्रह विज्ञान में आखिरी इकाई है, इकाई 10। 10 का वह भाग है व्यक्तिगत स्वास्थ्य। इसके पहले पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि स्वास्थ्य क्या होता है और कैसे शरीर को, अपन आँखों को, बालों को किस तरह स्वच्छ रख सकते हैं, और स्वास्थ्य की परिभाषा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि शरीर ही हमारा दुर्बल बीमार रहेगा तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। इसके आगे अब हम देखेंगे कुछ आसन हैं, कुछ तो देखते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत आसन। आसन क्या होते हैं? ऋषि मुनियों का देश कहलाने वाला भारतवर्ष प्राचीन काल से ही स्वस्थ रहने के लिए आसन, व्यायाम, योग का महत्व प्राचीन ग्रंथों में सुरक्षित है। वैसे कहा भी जाता है कि यदि नियमित योग या व्यायाम किया जाए तो अपनी उम्र से आप 5 से 7 साल पीछे हो सकते हो, आपका शरीर निरोगी हो जाएगा और स्वस्थ हो जाता है। तो वर्तमान आधुनिक जीवन शैली में शरीर एवं मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए आसन और योग महत्वपूर्ण व कारगर सिद्ध हुए हैं। आसन का अर्थ कि वह शारीरिक स्थिति जिसमें शरीर और आत्मा सुखपूर्वक स्थिर हो उसको आसन कहा जाता है। कि वह स्थिति, शारीरिक स्थिति जिसमें आत्मा और शरीर सुखपूर्वक स्थिर हो उसे आसन कहा जा सकता है। अब आसन के प्रकार 2 होते हैं, पहला ध्यान आसन और दूसरा स्वस्थासन। तो पहला ध्यान आसन, इसके अंतर्गत वे आसन आते हैं जो ध्यान एकाग्रचित्ता करने में मदद करते हैं और इस आसन में बैठकर मन को स्थिर करने की कोशिश की जा सकती है। मन को स्थिर करना, मन को शांत करना। और स्वस्थासन, इसमें के अंतर्गत वे आसन आते हैं जिसे करने से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। सरल भाषा में इसे व्यायाम कह सकते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तन, मन, प्राण की शुद्धि एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए योगा के 8 अंग बताए हैं। ये 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस प्रकार आसन अष्टांग योग का केवल 1 अंग है। अब है योगासन। योगासन, योग धन आसन बराबर योगासन। तो शरीर को निरोगी रखने के लिए योगासनों का अभ्यास महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ योगासन में केवल शरीर में स्फूर्ति और सौष्ठव आदि ग्रहण किया जाता है, शरीर में रक्त संचार उचित रीति से होता है और शरीर की मांसपेशियों में संकुचन और प्रसार की प्रक्रिया तीव्र होती है एवं शरीर में विद्यमान त्रिदोष, त्रिदोष मतलब कफ, वात और पित्त, ये होते हैं 3 दोष, का संतुलन बना रहता है और रोग से शरीर पूर्णतः सुरक्षित रहता है। योगासन करने से क्या फायदे होते हैं? कि शरीर में कफ, वात और पित्त नहीं होता, शरीर का संतुलन बना रहता है, मांसपेशियों का संकुचन तीव्र रहता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। आचार्य चरक के अनुसार
आचार्य चरक के अनुसार योग आसनों के अभ्यास तथा व्यायाम से शरीर में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर की स्थिरता और सहन शक्ति, सहन करने की क्षमता और शरीर में जो दोष हैं उनको शांत करने की क्षमता होती है। अतः योगासनों एवं स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। अतः कुछ महत्वपूर्ण योगासन निम्नानुसार है जिसके दैनिक अभ्यास से विद्यार्थी जीवन से ही पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। योग का और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यह कहा है आचार्य चरक ने, क्योंकि योग के अभ्यास से शरीर में हल्कापन होता, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। तो योगासन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं योगासन के? ताड़ासन, पादहस्तासन, मकरासन, भुजंगासन, वज्रासन, कटिचक्रासन और शशांक आसन। सबसे पहले हम देखेंगे ताड़ासन। ताड़ासन ये ताड़ासन जिस प्रकार ताड़ का वृक्ष सीधा खड़ा रहता है उसी तरह इस आसन से सीधा तन के खड़ा होना होता है, इसलिए इसे ताड़ासन कहते हैं। आप ये चित्र में भी देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल सीधे खड़े हैं, हाथ ऊपर है और बिल्कुल सीधे खड़े हैं ताड़ के वृक्ष के समान, इसीलिए इनको इसको ताड़ आसन कहा जा सकता है। इसकी आसन विधि के सीधे खड़े हो जाए, सिर पर पिछला भाग, पीठ, नितंब और पैरों की ओड़ियां एक सभी या सभी अंग एक सिर में रहने चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर सीधे टांगते हुए, एड़ियों को उचकाते हुए पंजों के बल खड़े हो जाए। ये पैर की उंगलियां होती हैं पंजे, उसके बल सीधे खड़े हो जाना है, एक सीध में अपने शरीर को ऊपर करते हुए। इस प्रक्रिया में एड़ी से गर्दन तक और हाथों से कंधों से उंगलियों तक शरीर एक अवयव ऊपर खींचने का निर्देश करते हैं। आसन करते समय गहरी सांस लेना केवल नाम मात्र ही लेना चाहिए। अब ताड़ासन के लाभ है कि किशोरावस्था में आसन करने से लंबाई में वृद्धि होती है और मेरुदंड सीधा होता है। जिन बच्चों की हाइट कम है अगर वह बच्चे ये ताड़ासन करेंगे तो उनकी लंबाई अच्छी होगी। कमर पतली व मोटापा कम होता है। थोड़ा गर्म पानी पीकर यह आसन किया जाए तो इस आसन से थोड़ा चला जाए तो कब्ज दूर होगी, आंखें साफ होगी और ताड़ासन से पाचन शक्ति बढ़ती है। फिर है मकरासन। मकर अर्थात मगर। इस आसन से शरीर की आकृति पानी में तैरते हुए मगर जैसी लगती है, इसलिए इस आसन को मकरासन कहते हैं। देखिए चित्र में दिख रहा है कि जैसे ये पानी के ऊपर तैर रहा हो। पेट के बल औंधे लेते हुए दोनों पैरों की ओड़ियां ऊपर की ओर एवं पंजे धरती को छूते हुए हो, चेहरा भी भूमि की ओर हो, आंखें बंद हो, दोनों हाथ सिर के दाएं बाएं ले जाएं और दोनों भुजाओं को इस प्रकार पकड़े कि सिर दोनों भुजा के बीच में रह, जैसा कि चित्र में। गहरी सांस ले तुम्हें गहरी सांस ले और ध्यान निकालने करें और ईश्वर का ध्यान। इससे लाभ है शारीरिक थकान दूर होगी, मन की को एकाग्र करने की क्षमता बढ़ती है, पीठ व रीढ़ की चोट में आराम मिल जाए। अब है वज्रासन। क्या है वज्रासन? यह आसन वज्र की तरह कठोरता लिए होते इसलिए इसे वज्रासन कहते हैं। इस मुद्रा में योगी बैठते हैं, इस मुद्रा में आसानी से हिल नहीं सकते, यह मजबूत स्थिति में बैठने का आसन है। और विधि है कि पैर के दोनों तलवों को मुद्रा के दोनों ओर इस तरह
अपने शरीर का वजन घुटनों टखनों पर होना चाहिए। दोनों हाथों को सीधा करते हुए कोहना पर से बिना मोड़े घुटने पर टिका लें। दोनों घुटने एक दूसरे से स्पर्श करते हुए पास पास ये देखिए ये चित्र में है कि दोनों घुटने एक दूसरे से स्पर्श करते हुए पास में हो। शरीर सीध पीठ गर्दन एकदम सीधा व तानते हुए बैठे देखिए बिल्कुल सीधा ये तानते हुए बैठे। कटी चक्रासन इस आसन में कटी कमर के ऊपर वाले शरीर के हिस्से को क्रमशः दाएं और बाएं घुमाया जाता है इसे कटी चक्रासन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है आबद्ध और मुक्त। आबद्ध में चक्रासन में दाएं एवं बाएं हाथ को कमर की ओर घुमाते हुए दोनों कंधों को बांधते हुए रखते हैं इसलिए आबद्ध कटी चक्रासन कहते हैं। और विधि ये दोनों पैर मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं जैसा चित्र में देख रहे हैं। दोनों हाथों को पहनते हुए कमर को क्रमशः दाएं और बाएं ओर मोड़ें। जब कमर को बाएं ओर मोड़ें तो दाएं हाथ को कंधे एवं बाएं कंधे को कमर के पीछे मोड़ते हुए ले जाएं। इस प्रकार जब कमर दाएं ओर मोड़ें तो बाएं हाथ की कंधे पर एवं दाएं कंधे को कमर के पीछे ले जाएं। अब है मुक्त कटी चक्रासन। मुक्त कटी चक्रासन इस आसन में कमर को मोड़ते हुए दोनों हाथों को आबद्ध करते हुए मुक्त रखते हैं इसलिए इसे मुक्त कटी चक्रासन कहते हैं। ये आपको चित्र में दिख भी रहा है मुक्त कटी चक्रासन। कि योग से कौन कौन से लाभ है, योगासनों से कौन कौन से लाभ होते हैं कि नियमित योगासन करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं जैसे मानसिक बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। जैसा भी आपने शुरू में बताया है पिछली क्लासेस में कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास कर इसलिए योगासन से मानसिक बौद्धिक और आंतरिक विकास होता है। योगासन द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों को योग व्यायाम मिल जाता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती फेफड़ों का संकुचन और शक्ति बढ़ने से अधिक मात्रा में रक्त शुद्ध होता है। शरीर की कोशिकाओं का रक्त शुद्धता से शुद्ध होता है। चेहरा कांति और आभायुक्त होता आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति चरित्रवान बनता है। फिर विश्राम विश्राम आराम विश्राम से तात्पर्य सोना नहीं होता है। कई लोग दोपहर में दो घंटे सोकर विश्राम करते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। इससे मोटापा और शारीरिक चिंता आती है। कार्य के बीच में विश्राम करने की बहुत आवश्यकता है। पहले कार्य को प्रकार को बदलकर विश्राम करके अब कार्य के प्रकार को बदलकर किस तरह विश्राम कर सकते हैं। लगातार कार्य करते रहने से मानसिक थकान उत्पन्न होने पर जैसे कि जब हम लगातार कार्य करते रहते हैं तो उससे मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है तो मन पसंद दूसरा काम करने लगे वह काम छोड़ रहे बोरियत हो रही है थकान हो रही उसको वहीं से छोड़ दिया और हम दूसरा काम कर रहे। जैसे पढ़ते पढ़ते अगर आप थक जाए तो चित्रकला संगीत सुनना कहानी ये बगीचे में बागवानी करके हम अपनी थकान को दूर कर सकते हैं यह विश्राम कहलाता है। अगर विश्राम करके लगातार काम करने के बाद 10 से 15 मिनट सीधे लेटकर या बैठकर श्वसन दाब द्वारा गहरे सांसें लेकर या छोड़कर पुनः ताजी महसूस होने लगती है। रक्त की CO2 बाहर निकल जाती है और अधिक O2 ग्रहण कर ली जाती है। अब व्यायाम की परिभाषा वे शारीरिक क्रियाएं जिनके करने से श्वास गति तेज रक्त संचार द्रुत गति हो शारीरिक एवं मानसिक स्फूर्ति का एहसास हो व्यायाम कहलाता है। चीन की कहावत है जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ आशा है और जहाँ आशा है वहाँ पर सर्वस्व। जिस प्रकार किसी मशीन को आसानी से चलाने के लिए उसके कण को तेल डाला जाता है वह लंबे
से बंद मशीन भारी चलती है, उसी तरह शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम करने से शरीर में एक तरह का रिपेयरिंग हो जाती है अंदरूनी तरीके से, है ना, रिपेयरिंग, और अंदर से मजबूती आने लगती है। अब है परिभाषा व्यायाम की। व्यायाम करते समय ध्यान देने योग्य बातें प्रातःकालीन व्यायाम के लिए उपयुक्त होता है और खाली पेट ही व्यायाम हमेशा सुबह सुबह करना चाहिए। खाली पेट करने से यदि कोई बीमार है, शरीर में दर्द है, चोट है, तो व्यायाम नहीं करना चाहिए। उम्र के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। वृद्धावस्था में तेज दौड़ने वाला व्यायाम नहीं करना चाहिए। खुली हवा में ढीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। व्यायाम में अंगों की गति एक जैसी हो एवं किसी अंग विशेष की कोशिका व तंतुओं पर अनावश्यक तनाव न हो और झटके नहीं देना चाहिए। अब है व्यायाम से लाभ। तो कौन से है? रक्त का शुद्धिकरण होता है, जिससे क्या होती है, वायु कोशों में ओटू फैलने की क्षमता रखना। जबकि व्यायाम करते समय दौड़ते समय फेफड़ों के अधिकतम वायु कोश ओटू से भर जाते हैं और जितनी अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती उतना ही अधिक रक्त में अशुद्धियां CO2 पसीने के रूप में बाहर निकलती है और शरीर को अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और रक्त का शुद्धिकरण होता है। दूसरा, कोशिकाओं एवं तंतुओं का लचीलापन। व्यायाम द्वारा कोशिकाओं एवं तंतुओं का लचीलापन रहता है, जिससे शरीर के समस्त अंगों में गतिमान अवस्था में रहते स्वस्थ रहते हैं। धमनियों में अनावश्यक वसा का जमाव नहीं हो पाता, जिससे धमनी की दीवारें लचीली रहती, हृदय की दीवारों पर तनाव नहीं रहती, जिससे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे रोगों की संभावना नहीं रहती है। फिर है स्वस्थ मन मस्तिष्क का विकास। व्यायाम करने से रक्त परिभ्रमण तेज गति से होता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास और वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती, चिंतन क्षमता विकास होता है, मन को एकाग्रता करने की क्षमता का विकास होता है, जो विद्यार्थी वयस्क वृद्ध तीनों के लिए लाभदायक है। चयापचय की क्रिया में वृद्धि। व्यायाम के द्वारा शरीर में संचित ऊर्जा का उपयोग होता है, अतः जल्दी जल्दी भोजन का पाचन, अवशोषण और ज्वलन होती है। जिस व्यक्ति जितना भोजन करता उसका पूर्ण पाचन एवं ज्वलन से उत्पन्न ऊर्जा पूर्ण उपयोग होने के शरीर में वसा का जमाव नहीं होता। फिर रीढ़ की हड्डी व अन्य अस्थियों का स्वस्थ विकास होता है। व्यायाम द्वारा रीढ़ की हड्डी संतुलित अवस्था में रहती है और लिगामेंट व टेंस मजबूत एवं लचीले रहते हैं। मनोरंजन बहुत आवश्यक है। मनोरंजन में सभी गतिविधियां क्रियाकलाप आते हैं, जिससे ज्ञान प्राप्ति के साथ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो। जैसे गुजरना पड़ता है, अतः तनाव और थकान दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है मनोरंजन। मनुष्य को स्वस्थ रहने का जितना महत्व संतुलित भोजन का है, उतना ही महत्व मनोरंजन का है। जीवन का प्रत्येक चरण बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा, पूर्णावस्था, वृद्धावस्था, प्रत्येक अवस्था में विभिन्न प्रकार के तनावों कठिनाइयों के बीच से गुजरना पड़ता है। तनाव और थकान दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है मनोरंजन। अब है मनोरंजन के प्रकार, स्वस्थ मनोरंजन और अस्वस्थ मनोरंजन। जैसे दो कार्यों के बीच में 15-20 मिनट की विश्रांति भी मनोरंजन का एक मार्ग है। संगीत सुनकर भी थकान दूर की जा सकती, जो मनोरंजन का कार्य। चित्रकला, नृत्य, खुली हवा में तैराकी, घूमना, पत्रिकाएं पढ़ना, ये सब मानसिक मनोरंजन है। इंडोर आउटडोर खेल जो घर के अंदर और बाहर खेले जाते हैं, और शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति का संचार होता है, यह भी मनोरंजन के अंतर्गत आता है। अभी हमने देखा था स्वस्थ मनोरंजन, अब है
व्यस्त मनोरंजन तो बहुत देर तक टीवी देखना, कई कई घंटे तक टीवी देखना, अश्लील पुस्तकें पिक्चरें देखना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना, बुरी संगत, वीडियो गेम्स आदि। मनोरंजन का महत्व स्मरण शक्ति, पुनः शक्ति का संचार होता है। लगातार एक ही कार्य करते करते शक्तिशील हो जाती, जो कि किसी मनोरंजन कार्य करने के बाद पुनः शक्ति का ऊर्जा प्राप्त हो जाती। शारीरिक और मानसिक विकास होकर सामाजिक विकास होकर खेल खेल से त्याग सहनशीलता नेतृत्व समानता जैसे चारित्रिक और नैतिक गुणों का विकास भी होता है। स्वस्थ मनोरंजन की गतिविधियों द्वारा आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, स्मरण शक्ति का विकास, तनाव मुक्त जीवन शैली के कारण हार्मोन इंसुलिन की कमी, भूख की कमी देखी जाती है, जो डायबिटीज, अनिद्रा, एसिडिटी जैसे रोगों को जन्म देती है। अब विद्यालयीन गतिविधियां, विद्यालय में अध्यापन के अतिरिक्त अन्य साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने से बालक का सर्वांगीण विकास होता, जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रूप से विकसित हो। गतिविधियों के प्रकार साहित्यिक गतिविधि, निबंध लेखन, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ और सांस्कृतिक गतिविधि, नाटक मंचन, नृत्य संगीत, गुणात्मक गतिविधियां, मैदानी खेल आदि में बालक भाग लेकर पूर्ण स्वस्थ, नैतिक व चरित्रवान बन सकता है। अब है निद्रा। निद्रा दिन भर के कार्यों की समाप्ति के पश्चात रात के समय शयन करना निद्रा है। निद्रा का महत्व दिन भर कार्य करने पर थकान उत्पन्न होती है और थकान महसूस होने के दो कारण तंतुओं व केशिकाओं के टूट-फूट होने से, कार्य करते समय ऊर्जा की खपत दर में वृद्धि होने से, विषाक्त पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, CO2 आदि की मात्रा रक्त एवं कोशिकाओं में बढ़ जाने से थकान महसूस होती है। पर्याप्त गहरी नींद सोने पर ये विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन हो जाता है एवं कोशिकाएं और तंतुओं को शरीर में समस्त बाह्य अंगों को आराम की स्थिति में रहने से एवं भीतरी अंग जैसे फेफड़े, हृदय आदि भी धीमी गति से कार्य करते हैं, मस्तिष्क को भी आराम मिलने से शरीर की मरम्मत हो जाती है। नींद की मात्रा उम्र के हिसाब से निर्धारित अलग अलग घंटे में, नवजात शिशु जो 22 से 23 घंटे, बाल्यावस्था में 10 घंटे, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में 8 घंटे, वृद्धावस्था में 5 से 6 घंटे, परंतु रोगी मनुष्य को सामान्य से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। बच्चों ये आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हों।